ओम शांति। आज है 22 अप्रैल 2022। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। प्रश्न: पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर: मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन, पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे, ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ, बाप से सच्चा सौदा करो, बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं, बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अपना खाता खराब न हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरा, श्रवण कुमार कुमारी बन, ज्ञान कवाठी व कावड़ पर सबको बिठाना है, मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। वरदान: अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है, वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं, वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन: स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।